दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कंपनीज क्या क्या हैं। हमने कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सुना है कि भाई मिड कैप में इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, पर हमें पूरी जानकारी होती नहीं है, तो फिर कोई भी सलाहकार होता है उसकी पूरी टिप का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हम। जैसे कभी कभी लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है कि जैसे कोई कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो वो लार्ज कैप कंपनी है, और किसी कंपनी का शेयर प्राइस लो है तो वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसका शेयर प्राइस 96 रुपये है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़ रुपये है, 26,000 करोड़, तो वो अभी लार्ज कैप कंपनी। और एस्कॉर्ट्स है जिसका शेयर है 1300-1400 के आसपास, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से कहीं ज़्यादा है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18,000 करोड़, तो वो एक मिड कैप कंपनी में आती है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक एक लार्ज कैप कंपनी में आती है। अब कैपिटलाइजेशन कैसे पता करते हैं, तो कैपिटलाइजेशन पता करने के लिए जितने नंबर ऑफ शेयर हैं जो इश्यू किए हैं कंपनी ने वो, और जिसका शेयर प्राइस है वो, उसको गुणा कर देंगे तो कंपनी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, तो वही डिसाइड करेगा कि वो लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पूरा जान लेते हैं कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनी क्या क्या है, एकदम पूरा अच्छे से डिफरेंस जान लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में, मतलब जिन कंपनी की मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से या उससे ज़्यादा होती है तो वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है, और जो मिड कैप कंपनी होती है जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 के अंदर अंदर होती है वो कहलाती है मिड कैप कंपनीज। और जो कंपनी 5,000 करोड़ से कम की वैल्यू है, उनका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपये से कम है, तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। दोस्तों एक और मोटा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको इस वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि भाई किस लार्ज कैप में प्रॉफिट ज़्यादा है, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, किस में रिस्क सबसे ज़्यादा है, और शेयर्स के एग्जांपल भी बताऊंगा कौन से लार्ज कैप के हैं, कौन से मिड कैप के हैं, कौन से स्मॉल कैप के हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो कंपनियाँ 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनियाँ, टॉप कंपनियाँ हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से लेकर 100 तक है, वो जो टॉप कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती है। और जो 101 से लेकर 250 कंपनियां हैं, जो टॉप 101 से लेकर 250 कंपनियां हैं, वो मिड कैप में आती है। और 250 के बाद जो सारी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती है। ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आप समझ गए होंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्या होता है, तो अब आप अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठा के, किसी भी टिप, कोई भी टिप देता है तो उसके फ़ायदा उठा के हम सही तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भाई किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में लॉस सबसे ज़्यादा होते हैं, किस में रिस्क सबसे ज़्यादा है। अब सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज़ की, तो लार्ज कैप जो कंपनियाँ होती है वो टॉप की कंपनियाँ होती है, वो अपने मुकाम पर पहुँच चुकी होती है, उसमें रिस्क भी सबसे कम होता है, और इनके शेयर के चढ़ने के चांसेस भी धीरे धीरे चढ़ते हैं, एकदम से ये नहीं चढ़ पाते हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट भी कम होता है और पैसा सेफ रहता है। जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ते देखना चाहते हैं, थोड़े प्रॉफिट में खुश हैं, तो वो लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो इनके लार्ज कैप कंपनी के एग्जांपल है रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, और आप गूगल पर जब लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट लिखेंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी आराम से। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप कंपनी जो होती है वो लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है और उसमें प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, जैसे वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। तो ये क्योंकि अभी मिड कैप से लार्ज कैप की ओर बढ़ रही होती है, इसी कारण इनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि अब जिसमें ये पैसे लगा रहे होते हैं उसमें 2-3 गुना बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, पर रिस्क भी उतना ही उतना होता है, लॉस भी होता है, तो वो जो खतरों के खिलाड़ी है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें जो बढ़िया कंपनियां हैं, अदानी पावर है, गुजरात गैस है, एस्कॉर्ट्स है, पॉली कैब है, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं मिड कैप। अब आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, इनमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है, और जब लॉस होते हैं लॉस के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है, मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है, तो ये जब साल दर साल कोई अच्छी अगर कंपनी को चूज़ कर ले तो उसमें पैसे जैसे 100 गुना 200 गुना 500 गुना 1000 गुना बढ़ने के चांसेस होते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें 1 लाख से कैसे 15 करोड़ रुपए हुए, वो आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है
किस्मत अच्छी होनी चाहिए। कोई कंपनी जो हम सेलेक्ट करें वो आने वाले 10-15 सालों में 100 गुना 200 गुना 500 गुना 1000 गुना बढ़े, तब हमें वो इतना फ़ायदा होता है। जैसे हमने आज 1 लाख रुपए ऐसे हैं कि जो इन्वेस्ट कर लिए कि भाई वो हमारे लिए अगर डूब भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, तो आगे चलकर क्या पता वो 15 करोड़ 20 करोड़ में बदल जाए। तो ये स्मॉल कैप में ही हो सकता है, मिड कैप लार्ज कैप में इतना नहीं होता। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो अब आप जान गए होंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप क्या क्या होता है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऐसे और भी जानकारी वाले वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं।